खबर औरैया जिले से। यहां बिधना विधायक के कार्यालय के पास अपने भाई से विवाद के बाद सिपाही ने जमकर हंगामा किया। हंगामा और मारपीट के बाद बवाल इतना बढ़ गया कि सिपाही को काबू करने के लिए स्थानीय लोगों को उसे रस्सी के सहारे खंभे से बांधना पड़ गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बिधना कोतवाली क्षेत्र के अरवा कटरा के कटैया रोड के रहने वाला सिपाही देवेंद्र यादव वर्तमान में फरुखाबाद कायमगंज में तैनात है। सिपाही का विवाद अपने भाई छुन्ना से चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दोनों देर शाम भाजपा विधायक विनय शाक्य के कार्यालय पर पहुंचे, जिसके बाद वहां पर भी विवाद निपटने के बजाय और बढ़ गया। वहीं विधायक विनय शाक्य के भाई विधायक प्रतिनिधि देवेश शाक्य के ऊपर सिपाही देवेंद्र ने सर पर डंडे से प्रहार कर दिया, लेकिन वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने डंडा बीच में पकड़ लिया, जिसके बाद देवेश गिर पड़े और सिपाही ने उनकी जेब से 1200 रुपए निकाल लिए। पूरा मामला किस तरीके से हुआ था? देखिए, कल शाम को मैं अपने कार्यालय पर बैठा हुआ था, तो देवेंद्र यादव नाम का एक कटैया का शख्स है, वो यहाँ पे आता है और बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उसको रोका, पूछा, तो उनसे गाली गलौज की और सीधा मेरे ऊपर डंडा लेके, जब उसने डंडा मेरे ऊपर चलाया तो मेरे साथ वालों ने हाथ जैसे लगा दिया तो डंडा मैं गिर गया नीचे और उसने डंडा मेरे सर पे मारने का पूरा प्रयास किया, और जैसे ही उसने डंडा मारा है तो हमारे लोगों ने उसको खींचा तो उसने मेरी जेब से लगभग 1200-1300 रुपये पड़े थे वो निकाल लिए, और जब भागने का प्रयास किया तो हमारे साथ के जो लोग हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया। फिर मैंने जब पुलिस को सूचना दी तो जब पुलिस आई है, इंस्पेक्टर आए थे बिधना, जब पुलिस साथ में और लोग आए तो ये पुलिस ने उस पर दबाव बनाया, तो दबाव बनाने के एवज में उसने पुलिस पर हाथ चला दिया, पुलिस की राइफल छीन ली, सबके सामने उसका वीडियो पुलिस ने बनाया है और पुलिस पर भी बहुत उसने अत्याचार किए। ये देवेंद्र यादव करता क्या है? मुझे तो बाद में सूचना मिली है कि ये सुनियोजित प्रीप्लान था, ये कटैया के रहने वाले हैं और ये पुलिस में तैनात हैं, ये एक दो दिन पहले ही छुट्टी पे आए हुए थे और अब मैं अपने सूत्रों से पता कर रहा हूँ कि क्या बात है, और कहीं ना कहीं ये सुनियोजित ढंग से ये प्रीप्लान किया गया है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।